खूबसूरत और शोख अदाकारा कि उनकी पहली झलक देखकर ही उनकी खूबसूरती के आगे हर रंग फीका पड़ गया था और हर कोई उनका दीवाना बन गया था। वो पड़ोसी देश पाकिस्तान से आई थीं, लेकिन हिंदुस्तान में बॉलीवुड ने उनका खुले दिल से स्वागत किया और उन्होंने भी अपना ऐसा जलवा दिखाया कि करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। उनका मासूम चेहरा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक ताजी हवा के झोंके की तरह था और जब उनकी फिल्म भारत में रिलीज हुई तो सीमा के दोनों तरफ उनकी चर्चा थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी और उर्दू फिल्मों में अपने झंडे गाड़ने वाली ये अदाकारा वास्तव में एक लेखिका थी और वो कभी अभिनय के क्षेत्र में उतरना ही नहीं चाहती थी। क्या आप सोच सकते हैं कि जब ये अदाकारा बॉलीवुड में लॉन्च हो रही थी तब इनकी शादी हो गई थी और ये एक बच्ची की माँ भी बन चुकी थी। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन्होंने एक दो नहीं चार बार अपना जीवन साथी चुना और इनसे निकाह करने वालों में भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों के शौहर शामिल रहे। तो कौन थी ये अभिनेत्री और क्यों बेहद छोटा रहा इनका बॉलीवुड का सफर, क्यों रही इनकी पर्सनल लाइफ बेहद उतार चढ़ाव भरी और कैसी चल रही है फिलहाल इनकी जिंदगी, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूँ आरजे कंगना। जी हाँ, वही फिल्मी किस्से वाली आरजे कंगना। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 90 के दशक में बॉलीवुड में डेब्यू करके अचानक चर्चा में आई एक पाकिस्तानी अदाकारा ज़ेबा बख्तियार की। वो अदाकारा जिन्होंने अपनी खूबसूरती और मासूमियत के बल पर भारत के लाखों दर्शकों का दिल जीता, लेकिन फिर भी इनका करियर किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा। क्या रही इनकी पर्सनल लाइफ की परेशानियां और उलझने जिसने इनकी प्रोफेशनल जिंदगी को भी पीछे धकेल दिया और आज ये कहां और किस हाल में हैं? ऊपर से उतरी छोकरी यारो, ये तूफान मेल है या आफत की टोकरी? तो इन तमाम सवालों के जवाब हम आज तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले जानते हैं कि कौन थी ज़ेबा बख्तियार और इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ था। 5 नवंबर 1962 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके के क्वेटा में जन्मी ज़ेबा का वास्तविक नाम शाहीन था। इनके पिता याहिया बख्तियार पेशे से वकील और पॉलिटिशियन थे और पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल भी बने। वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत थे और पाकिस्तान की न्यायपालिका में इनका खासा रसूख था। कहते हैं पाकिस्तान का संविधान लिखने में भी एडवोकेट बख्तियार शामिल रहे थे। ज़ेबा की माँ का नाम ईवा था और वो मूल रूप से हंगरी की रहने वाली थी। साल 1940 में जब ज़ेबा के पिता लंदन से वकालत कर रहे थे तो वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई थी। बाद में दोनों ने शादी कर ली और फिर 1949 में दोनों पाकिस्तान चले आए। शाहीन यानी ज़ेबा की एक बहन भी हैं सायरा। देखो दीदी, मैंने राजा को जितना जानना था ना, मैं उसे जान चुकी हूँ। अरे पर अब उसे क्या छुपाना। और दो भाई सलीम बख्तियार और करीम बख्तियार, दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं और अब अमेरिका में रहते हैं।
जब जेबा छोटी थी तभी इनके पिता अपने पूरे परिवार को लेकर क्वेटा से कराची आ गए थे। जेबा की शुरुआती पढ़ाई लिखाई कराची में ही हुई। जब वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी तो उनकी खूबसूरती के कारण पूरे कैंपस में उनकी चर्चा होती रहती थी। इनके दोस्त तब इन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह देते थे। उधर जेबा को भी बचपन से ही फिल्में अपनी ओर आकर्षित करती थी और इसके पीछे एक खास वजह थी। 50 और 60 के दशक के मशहूर भारतीय एक्टर रहमान से इनके पिता याह्या बख्तियार की दोस्ती थी और आज़ादी से पहले ये दोनों स्कूल में साथ ही पढ़ा करते थे। बंटवारे के बाद भी कई बार रहमान जेबा के पिता से मिलने उनके घर जाते रहते थे और जेबा उनकी शख्सियत से काफ़ी इम्प्रेस थी। हालांकि जेबा को अपनी खूबसूरती से ज़्यादा अपनी कलम पर भरोसा था। वो कहानियाँ और स्क्रिप्ट लिखा करती थी और फिल्मकारों के पास काम मांगने या कहानी सुनाने जाया करती थी, लेकिन ज्यादातर फिल्मकार इनकी कहानियों के बजाय इनकी खूबसूरती से ही प्रभावित होते थे और वो भी इन्हें फिल्मों में एक्टिंग करने की सलाह देते थे। जेबा 19 साल की हुई तो उनके अम्मी अब्बू ने साल 1982 में उनका निकाह करा दिया। इनके शौहर का नाम था सलमान वलियानी। आगे इस शादी से जेबा ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा नहीं चल सका और साल भर के भीतर ही दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद उनकी बेटी को बहन सायरा ने गोद ले लिया और जेबा ने खुद को वापस अपने काम में बिजी कर लिया। जेबा तब लगभग 20 साल की थी और इनके कॉलेज की पढ़ाई भी चल रही थी। साल 1988 में पाकिस्तान के मशहूर राइटर डायरेक्टर इकबाल अंसारी एक मेगा सीरियल अनारकली बना रहे थे। उन्होंने एक फंक्शन में जेबा को देखा और तभी उन्हें लीड एक्ट्रेस के तौर पर चुन लिया। हालांकि जेबा के पिता नहीं चाहते थे कि वो सीरियल में काम करें, लेकिन डायरेक्टर के अनुरोध पर वो मान गए। उन्होंने सोचा कि जेबा का एक्टिंग का बुखार कुछ दिनों में ठंडा हो जाएगा, लेकिन इस नाटक में रोमांटिक किरदार के बाद जेबा को पाकिस्तान में बड़ी लोकप्रियता हासिल हुई। उन्हीं दिनों भारत में मशहूर शोमैन राज कपूर साहब एक इंडो पाक लव ट्रायंगल मूवी पर काम कर रहे थे जिसका नाम था हिना। उन्हें एक पाकिस्तानी फ्रेश चेहरे की तलाश थी। जैसा कि आपको हम पिछली स्टोरी में भी बता चुके हैं कि इसी प्रोजेक्ट के लिए राज कपूर साहब ने मशहूर गायिका नाजिया हसन को भी अप्रोच किया था, लेकिन बात नहीं बन पाई। राज कपूर की पोती करिश्मा कपूर भी ये रोल निभाना चाहती थी, लेकिन तब कपूर फैमिली की कोई लड़की फिल्मों में नहीं उतरी थी और उस वक्त ये भी तय कर लिया गया था कि हीरो के तौर पर राजीव कपूर या ऋषि कपूर को लिया जाएगा, सो करिश्मा की भी बात नहीं बन पाई। राज कपूर ने हिना के संवाद लेखन के लिए भारतीय लेखक जैनेन्द्र के अलावा पाकिस्तानी लेखिका हसीना मोइन को भी अनुबंधित किया था। हसीना मोइन ने जेबा का नाटक देख रखा था और वो इस अदाकारा से काफी इम्प्रेस थी। उन्होंने राज कपूर साहब को भी इसकी क्लिप दिखाई। उन्हें जेबा की मासूमियत और खूबसूरती इतनी पसंद आई कि उन्होंने फौरन उसे बतौर हीरोइन फिल्म में लेने का फैसला कर लिया। चाची, ये वाला कितने का है? जेबा को पाकिस्तान में संदेश भिजवाया गया और वो भारत आई। भारत के सबसे बड़े बैनर आरके और उसकी फिल्म तो जैसे जेबा के लिए एक सपने जैसी थी। उन्होंने बिना देरी किए इस फिल्म को साइन कर लिया, लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाती उससे पहले ही 1988 में राज कपूर साहब का निधन हो गया। लेकिन तब उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया और इसे पूरा कर 1991 में रिलीज किया। इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ जेबा की जोड़ी हिट हो गई। पाकिस्तान के साथ साथ भारतीय दर्शकों ने भी उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। ये फिल्म दोनों मुल्कों में सुपरहिट रही। भारत की तरफ से ये फिल्म ऑस्कर में भी भेजी गई। हालांकि इसे नॉमिनेशन नहीं मिला, लेकिन दर्शकों के बीच फिल्म खासकर इसके गीत बेहद लोकप्रिय रहे। घर घर में इस फिल्म के गाने बजते हुए सुने जा सकते थे। इस फिल्म का जिक्र करते ही इससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी है जो बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान से जुड़ा हुआ है। जब जेबा अपनी फिल्म हिना की शूटिंग के लिए मनाली पहुंची थी
उसी दौरान सलमान खान भी अपनी फिल्म सनम बेवफा की शूटिंग के सिलसिले में वहीं आए हुए थे। एक दिन सलमान अपनी शूटिंग खत्म होने के बाद ऋषि कपूर से मिलने पास के ही उनके सेट पर गए, जहां उनकी मुलाकात जीबा से हुई। कहते हैं सलमान इनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए। फिर तो सलमान कई बार अपनी शूटिंग के बाद हिना के सेट पर जाने लगे और इसी बहाने जेबा से मुलाकात की कोशिश भी करने लगे, लेकिन जेबा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। बताते हैं कि सलमान ने अपना रूम उसी होटल में बुक करा लिया जिसमें जेबा ठहरी थी और फिर कई बार उन्हें कॉफी पीने के ऑफर भी देने लगे, लेकिन जेबा ने एक बार भी हामी नहीं भरी थी। दरअसल उस दौर में सलमान खान संगीता बिजलानी के साथ रिलेशनशिप में थे और दोनों की शादी की भी खबरें मीडिया में आ रही थीं। खास बात ये थी कि जेबा और संगीता बिजलानी में दोस्ती थी, इसीलिए जेबा अपने दोस्त के बॉयफ्रेंड से बचने की कोशिश करती रहीं और आखिरकार अपना होटल भी बदलवा लिया। और कुछ इस तरह सलमान खान की जेबा को पाने की हसरत पूरी नहीं हो सकी। अपनी इस पहली फिल्म से जेबा बॉलीवुड का एक फेमस चेहरा बन गई, लेकिन शायद विदेशी होने के कारण भारतीय निर्माता उनसे कुछ खास प्रभावित नहीं हुए। कुछ फिल्म मेकर्स इन्हें साइन करने के लिए अपने स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे और उन्होंने फिल्में साइन भी की, लेकिन वो लोकप्रिय नहीं हुई। साल 1994 में जेबा की दो फिल्में रिलीज हुईं, मोहब्बत की आरजू और जैकी श्रॉफ की स्टंटमैन। लेकिन दोनों ही फिल्में कुछ खास नहीं चली। आप कहें? वैसे मुझे भीड़ भाड़ कम पसंद है। वाह, हमारी आदतें कितनी मिलती जुलती। फिल्म मोहब्बत की आरजू में तो हिना के हीरो ऋषि कपूर और उनकी सहनायिका अश्विनी भावे को भी रिपीट किया गया था, लेकिन दर्शकों के बीच ये लोकप्रिय नहीं हो सकी। तुम हमसे प्यार कर लो, हम तुमसे प्यार कर लें। हालांकि तब तक जेबा की उम्र 26 साल हो चुकी थी और वो एक बच्ची की माँ भी थी, लेकिन उनका चार्म बरकरार था। 1995 में भी जेबा की दो फिल्में रिलीज हुईं, हिंदी फिल्म जय विक्रांता और पाकिस्तानी फिल्म सरगम। इनमें संजय दत्त के साथ आई फिल्म जय विक्रांता तो ठीक ठाक चली, लेकिन इसमें जेबा का जादू नहीं चल सका। प्यार इकरार मेरे यार हो गया। हाँ, पाकिस्तानी फिल्म सरगम को वहां के दर्शकों ने खूब पसंद किया और इसके लिए इन्हें पाकिस्तान में कई अवार्ड्स भी मिले। जरा ढोलकी बजाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो। इसके अगले साल 1996 में भी जेबा की दो और फिल्में पर्दे पर आईं। एक थी हिंदी फिल्म मुकदमा, जिसमें इनके साथ आदित्य पंचोली और विनोद खन्ना थे। साजन तू मेरी बात मान ले। वहीं दूसरी फिल्म थी पाकिस्तानी म्यूजिकल कॉमेडी चीफ साहिब। पर दोनों से ही जेबा को कोई खास फायदा नहीं हुआ। इसके बाद जेबा अपने देश पाकिस्तान वापस लौट गईं और फिर किसी बॉलीवुड फिल्म में नजर नहीं आईं। हाँ, पाकिस्तान की कुछ फिल्मों और फेमस टीवी सीरीज में जरूर काम करती रहीं, लेकिन फिल्मों में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। साल 2001 में जेबा ने पाकिस्तान में बाबू नाम की एक फिल्म बनाई, जिसे इन्होंने ही डायरेक्ट भी किया था, लेकिन फिल्म मेकिंग का ये सिलसिला भी उससे आगे नहीं चल सका। संभवतः आर्थिक स्थिति इसके लिए जिम्मेदार रही। जेबा उन एक्ट्रेसेस में रही जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही, और पर्सनल लाइफ की इन्हीं उलझनों में वो इस कदर उलझी कि अपने काम पर ठीक से फोकस नहीं कर सकी और उनका कैरियर सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो चलिए अब जेबा की पर्सनल लाइफ को भी जानने समझने की कोशिश करते हैं कि फिल्मों में बेहतरीन अंदाज में आगाज करने वाली जेबा से चूक कहाँ हुई। चलिए अब जेबा की शादियों की बात करते हैं। कहा जाता है कि जेबा ने एक दो नहीं
5 बार शादियां की। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कि ज़ेबा ने 5 नहीं 4 शादियां की थी। ज़ेबा की पहली शादी के बारे में तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। कुछ दावों के मुताबिक ज़ेबा की दूसरी शादी हुई थी क्वेटा के एक बिजनेसमैन से, लेकिन ये शादी भी कुछ महीने ही चली और दोनों अलग हो गए। इसके बाद ज़ेबा ने तीसरी शादी की हिंदुस्तान के एक मुस्लिम एक्टर से। उन्होंने मशहूर एक्टर परफॉर्मर जावेद जाफरी से तीसरा निकाह कर लिया। जी हाँ, एक्टर जगदीप के बेटे जावेद जाफरी, जो बच्चों के शो बूगी वूगी के होस्ट के तौर पर बेहद लोकप्रिय हुए। लेकिन ज़ेबा की ये शादी बेहद गुपचुप तरीके से हुई थी और एक वक्त ऐसा भी आया कि ज़ेबा ने जावेद के साथ शादी किए जाने की खबर से साफ इनकार कर दिया। हालांकि बाद में जब जावेद ने ज़ेबा से शादी का मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दिया तो ज़ेबा को अपना स्टैंड बदलना पड़ा और इस निकाह को कबूल करना पड़ा। और फिर आखिरकार 1991 में जावेद और ज़ेबा का भी तलाक हो गया। इसके बाद साल 1993 में ज़ेबा ने पाकिस्तान के मशहूर गायक अदनान सामी से चौथी शादी की। तब अदनान की उम्र सिर्फ 22 साल थी, जबकि ज़ेबा उनसे 9 साल बड़ी थी। कहाँ मिलेगा कोई हमसा दुल्हा, इन्हें दुल्हन बनाओ गोरियो। इस शादी से अदनान और ज़ेबा को एक बेटा हुआ अजान। ज़ेबा और अदनान सामी ने पाकिस्तानी फिल्म सरगम में साथ में काम भी किया, लेकिन अदनान से भी ज़ेबा की शादी कामयाब नहीं हो सकी। ओहो, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हो, जैसे इत्र में नहाते रहे हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। और साल 1997 में ज़ेबा ने अदनान से तलाक ले लिया। ये रिश्ता कड़वाहटों के साथ खत्म हुआ था और ज़ेबा और अदनान ने अपने बेटे अजान के लिए कोर्ट में केस भी लड़ा और आखिरकार बेटे की कस्टडी ज़ेबा को मिल गई। हालांकि बाद में अदनान भारत आकर बस गए और बेटे से मिलने भी लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बेटे को पालने में भी ज़ेबा का साथ दिया। इनके बेटे अब बड़े हो गए हैं और इन्होंने 20 साल की उम्र में शादी भी कर ली है। बताते हैं कि ज़ेबा ने साल 2008 में 5वीं शादी की थी और उनके पति थे कराची के रहने वाले सोहेल खान लेघारी। ये शादी कई वर्षों तक चली, लेकिन ताज़ा खबरों के मुताबिक एक बार फिर ज़ेबा ने लेघारी से तलाक ले लिया है। ज़ेबा से जुड़ा एक विवाद तब सामने आया था जब इन्होंने बॉलीवुड के फेमस विलेन रजा मुराद के साथ एक रोमांटिक फोटोशूट किया था। इस फोटो को देखकर पता नहीं फैंस को ऐसा क्या हुआ कि वो ज़ेबा को खरी खोटी सुनाने लगे। स्टारडस्ट मैगजीन के लिए ज़ेबा ने ये फोटोशूट कराया था। मेरे इलाके में मेरी मर्जी के खिलाफ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, समझी चन्ना? अगर तुम चंदर को वाकई बचाना चाहती हो तो उसकी सिर्फ एक ही तरकीब है। खैर, फिलहाल की बात करें तो ज़ेबा अब कराची में रहती हैं और कई तरह के कामों में अपना समय बिताती हैं। बताया जाता है कि हिना फिल्म में काम करने के दौरान ही ज़ेबा डायबिटीज की शिकार हो गई थी और इसीलिए बाद में इसके लिए काम करने का सोचा। अब ज़ेबा पाकिस्तान में ढेरों डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम्स में नजर आती हैं। साथ ही ज़ेबा पाकिस्तान में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए भी काम करती हैं और पाकिस्तान की एक महिला फुटबॉल एसोसिएशन की चेयरमैन भी हैं। तो ये थी भारतीय और पाकिस्तानी फिल्मों की एक्ट्रेस ज़ेबा बख्तियार की पूरी कहानी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते चलते एक बात और, अगर आप भी फिल्मों, कलाकारों, गायकों, संगीतकारों आदि से जुड़ी जानकारियों के शौकीन हैं तो हमारा नया चैनल फिल्मी किस्से विद आरजे कंगना पर भी अवश्य विजिट करें। यहाँ हम सुनाते हैं रेट्रो फिल्मी कहानियाँ कुछ अनोखे अंदाज में। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट आरजे कंगना को इजाज़त। नमस्कार।